कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसान आंदोलन तोड़फाड़ हुआ। गुरुद्वारा चिला साहब में बैठक कर किसानों के एक ग्रुप ने यह बड़ा फैसला लिया। शहीद भगत सिंह स्टेडियम में चल रहे धरने में शामिल नहीं होने के कारण ये निर्णय लिया गया। किसान नेता जसवीर सिंह भाटी ने दी पूरी जानकारी। 12 अक्टूबर से लघु सचिवालय के नज़दीक शुरू किया जाएगा ये धरना। 13 अक्टूबर को सांसद सुनीता दुग्गल के आवास के समक्ष धरना दिया जाएगा। 14 अक्टूबर को मनाएंगे MSP अधिकार दिवस। पलपल शीर्षक से विशेष रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि बिलों को लेकर के विरोध कर रहे किसान अब तोड़फाड़ हो चुके हैं। 6 अक्टूबर को घेराव में शामिल हुए 17 संगठनों में से अधिकतर किसानों ने शहीद भगत सिंह स्टेडियम में चल रहे धरने से किनारा करना शुरू कर दिया है। धरने से अलग हुए किसानों ने आज गुरुद्वारा चिला साहब में किसान नेता जसवीर सिंह भट्टी के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें जिले के विभिन्न किसान संगठनों ने भाग लिया। बैठक में अलग रणनीति बनाकर के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में चल रहे धरना की बायकाट करने का फैसला लिया गया। 12 अक्टूबर से लघु सचिवालय के समक्ष यह धरना चलाने का फैसला भी लिया गया। इसके लिए 21 सदस्य कमेटी बनाई गई है। जो कमेटी फैसला करेगी उसके अनुसार आगे आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दें कि 6 अक्टूबर को 17 संगठन मिलकर के घेराव की रणनीति बनाई थी और उसी मंच पर केवल किसान ही धरने पर बैठेंगे इस बात को कहा गया था, लेकिन उसके बाद यह किसानों को मंच न दे करके कलाकारों व अन्य लोगों को मंच पर दिया गया। इसके बाद किसान धरने में शरारती तत्व भी शामिल होने लगे, जो कि माहौल को खराब करने और अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक किसानों द्वारा 12 अक्टूबर को लघु सचिवालय के समक्ष धरना दिया जाएगा। इसके अगले दिन 13 अक्टूबर को सांसद सुनीता दुग्गल के आवास के समक्ष धरना देंगे। इसी प्रकार 14 अक्टूबर को MSP अधिकार दिवस भी मनाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की मांगों को लेकर के उनका धरना शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा। अब देख रहे पलपल की विशेष रिपोर्ट। जो किसान आंदोलन चल रहा था जुलाई महीने से लेकर आज तक, सभी पे विचार करके देखिए आंदोलन था कैसे कैसे चला है, आज तक जो कुछ आंदोलन में हुआ है उसमें क्या चेंज होनी चाहिए थी, कैसे आंदोलन हुआ, क्या उसमें क्या कमियां रही हैं, वो कमियां दूर करने के लिए आज हमने ये मीटिंग बुलाई थी। और इस मीटिंग में आज जितने किसान आए थे सभी ने एक मत से एक 21 मेंबरी कमेटी बनाई है। जो भी यहाँ आगे का रणनीति बनाई गई 21 मेंबरी कमेटी ने बनाई है, जो रणनीति बनाई गई है उसमें 12 तारीख से धरना चलेगा 17 तारीख तक लघु सचिवालय में। उस धरने में 5 हमारे ब्लॉक हैं, 5 ब्लॉक से एक एक दिन के एक एक ब्लॉक से आया करेंगे किसान। और जो भी किसानों की मुख्य मांगे, जैसे तीनों प्रदेश के खिलाफ हमारा जो संघर्ष था, कुछ शरारती तत्वों ने उसको कैप्चर करके, सरकार के आदमियों ने कैप्चर करके उसको बदलने की कोशिश की, मगर उसी रास्ते पर लाने के लिए ये हमने इतना अगला संघर्ष शुरू किया है। इस संघर्ष में 12 तारीख को लघु सचिवालय में धरना देने के बाद 13 को संसद का अपनी जो यहाँ से संदीता दुग्गल है उसका घर के सामने धरना लगाएंगे। 13 तारीख को धरने के बाद संसद के घेराव के बाद फिर 14 तारीख को अधिकार दिवस MSP अधिकार दिवस वो मनाएंगे, जिसमें हर किसान को हम अपील करेंगे अपने घर से जितने अनाज यहाँ पैदा होते हैं, धान है, नरमा है, बाजरा है, मक्का है, मूंग है, मोठ है, ग्वार है, वो अपनी अपनी ट्रालियों में लेके आएंगे और SDM या सेक्रेटरी के मार्केट कमेटी सेक्रेटरी के पास लेके जाएंगे भी इसको MSP पे खरीदो।